जो विधानसभा में बैठ के नाटक कर रहे हैं बीजेपी के लोग, 3 महीने पहले तक तो यही बैठे हुए थे, उस दौरान भी जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु। आज खाली तख्ती लेकर विधानसभा के बाहर खड़े होने से नहीं होगा। खुले तौर पर मुझको छोड़कर कोई भी व्यक्ति नहीं कह रहा है कि शराबबंदी बिल्कुल 48 घंटे के अंदर हटाया जाना चाहिए। दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप सामाजिक या आर्थिक विकास के दिशा में कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज पदयात्रा पर है और फिलहाल प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण जिले में है। पूर्वी चंपारण जिले में प्रशांत किशोर गांव और गलियों में जाकर लोगों की समस्याएं भी सुन रहे, साथ ही ये कह भी रहे हैं, बिहार बदलने आया हूं, अकेले कुछ नहीं कर सकता, सबकी सहयोग चाहिए होगी और सबका साथ चाहिए होगा। इस दौरान प्रशांत किशोर, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव हो, फिर नरेंद्र मोदी या फिर बिहार बीजेपी के कोई भी बड़े दिग्गज नेता, सबको खूब सुना रहे हैं और कह रहे हैं बिहार के बदहाली के लिए ये सब लोग जिम्मेवार हैं। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि नीतीश कुमार की कभी हमने मदद की है। जरा सुनिए प्रशांत किशोर को। अकारण मृत्यु अगर नागरिकों की हो जाए, वहां की सरकार गमगीन होगी, वहां की सरकार शोकाकुल होगी, वो उसको सुधारने के लिए माफी मांगेगी, उसको लोगों को सांत्वना देने का प्रयास करेगी। लेकिन ये दिखाता है कि बिहार के जो सत्ताधारी लोग हैं, जो नेता है, यहाँ के जो व्यवस्था है, और मैं इसमें बीजेपी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान दें, ये जो विधानसभा में बैठ के नाटक कर रहे हैं बीजेपी के लोग, 3 महीने पहले तक तो यही बैठे हुए थे, उस दौरान भी जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, और आज खाली तख्ती लेकर विधानसभा के बाहर खड़े होने से नहीं होगा। खुले तौर पर मुझको छोड़कर कोई भी व्यक्ति नहीं कह रहा है कि शराबबंदी बिल्कुल 48 घंटे के अंदर हटाया जाना चाहिए। दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप सामाजिक या आर्थिक विकास के दिशा में कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं। दूसरी और बात समझ लीजिए, जिस महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं ये लोग, मैंने खुले मन से चुनौती दी है नीतीश कुमार को और जो लोग भी महात्मा गांधी के नाम पर शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं, कि आप महात्मा गांधी का लिखा हुआ एक लाइन या एक वाक्य मुझे सुना दीजिए जिसमें महात्मा गांधी ने स्टेट लेड प्रोहिबिशन, मतलब सरकार द्वारा लागू की शराबबंदी की बात कही है। महात्मा गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैंने भी बहुत पढ़ाई करी है महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी की कुरीति पर टिप्पणी की है, उन्होंने समाज को इस बात के लिए तैयार करने प्रयास करने की बात कही है जिसमें शराब लोग न पिए, लेकिन महात्मा गांधी ने ये नहीं कहा कि आप कानून बनाकर देश में शराबबंदी लागू कर दें। अगर महात्मा गांधी ये चाहते तो जब देश आजाद हुआ तो उसी समय संविधान में लिख दिया गया होता कि पूरे देश में आप शराबबंदी लागू कर दें। और अगर एक मिनट को आप मान भी लें कि शराबबंदी ठीक है, तो बिहार में शराबबंदी है कहाँ? मैं तो हर गाँव जा रहा हूँ और 75 दिन से पैदल चल रहा हूँ, हर गाँव में मैं हाथ उठवा कर वोट कराता हूँ, लोग बता रहे हैं कि सब जगह होम डिलीवरी हो रही है, हर जगह होम डिलीवरी हो रही है, और बिहार जैसे गरीब राज्य का शराबबंदी की वजह से करीब करीब साल में 20,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है, और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, पुलिस कर्मियों के पास, प्रशासन में भ्रष्ट एलिमेंट्स के पास, और आपको हम जो बिहार सरकार का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, इसकी आंशिक भरपाई के लिए आपसे, हमसे, बिहार के किसानों से डीजल पर 9 रुपये लीटर और पेट्रोल पर 13 रुपये लीटर एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा है। आप यूपी में जाकर देख लीजिए, यहाँ से डीजल 9 रुपये लीटर सस्ता है, पेट्रोल 13 रुपये लीटर सस्ता है, तो ये पैसा लिया जा रहा है क्योंकि शराबबंदी से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कहीं से की जाएगी। तो हर ओर से नुकसान है, शराबबंदी लागू नहीं है, जो शराब माफिया आपने अलग खड़ा कर दिया, जो युवा शराब पीना चाहता है वो घर पर बैठ के युवा या वृद्ध पी ही रहा है, और कई का होम डिलीवरी हो रही है, और बिहार जैसे गरीब राज्य का शराबबंदी की वजह से करीब करीब साल में 20,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है, और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, पुलिस कर्मियों के पास, प्रशासन में भ्रष्ट एलिमेंट्स के पास, और आपको हम जो बिहार सरकार का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, इसकी आंशिक भरपाई के लिए आपसे, हमसे, बिहार के किसानों से डीजल पर 9 रुपये लीटर और पेट्रोल पर 13 रुपये लीटर एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा है। आप यूपी में जाकर देख लीजिए, यहाँ से डीजल 9 रुपये लीटर सस्ता है, पेट्रोल 13 रुपये लीटर सस्ता है, तो ये पैसा लिया जा रहा है क्योंकि शराबबंदी से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कहीं से की जाएगी। तो हर ओर से नुकसान है, शराबबंदी लागू नहीं है,
जो शराब माफिया आपने अलग खड़ा कर दिया, जो युवा शराब पीना चाहता है वो घर पर बैठ के युवा या वृद्ध पी ही रहा है, और कई तरह के और जो नशे का कारोबार है वो शुरू हो गया, और पूरा प्रशासन, पुलिस और प्रशासन अपना काम छोड़कर सिर्फ शराबबंदी को लागू करने और शराबबंदी से कमाने के अभियान में लगा हुआ है। जनता हर जगह पीस रही है। मुख्यमंत्री कल बात करेंगे इस पर। मुख्यमंत्री जी से इतना ही मांग करेंगे, आज मैंने उनका बयान कल भी देखा और आज उन्होंने एक और टिप्पणी की है, मुझे अफसोस है कि इस आदमी की मैंने मदद 2014-15 में की थी। मैं जिस मुख्यमंत्री जिस नीतीश कुमार को जानता हूँ, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो रेल मंत्री रहते हुए वाजपेयी जी की सरकार में, इन्होंने वाजपेयी जी के न कहने पर भी रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि रेल दुर्घटना में कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। वही नीतीश कुमार आज कोरोना में हजारों लोग मर गए, लाखों लोग, लाखों लड़के बिहार के पैदल चल के इतने कष्ट में रहे, और ये आदमी अपने बंगले से बाहर नहीं निकले, इन्होंने कोई जिम्मेवारी, कोई जवाबदेही नहीं दी। वही नीतीश कुमार आज अकारण गरीब लोगों की, 50 लोगों की मृत्यु हुई है और हंस रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, ऐसे असंवेदनशील और अहंकारी व्यक्ति का नाश निश्चय है। मतलब कोई आज तक दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि आपके अपने राज्य के 50 लोग मर गए, अगर अपनी गलती से भी मर गए तो भी आप राज्य के मुखिया होने के नाते उनके लिए संवेदना के शब्द व्यक्त करने के बजाय आप उनको इस तरह के अगर वाक्य कह रहे हैं तो मानव मुख्यमंत्री होना छोड़ दीजिए, एज ए ह्यूमन बीइंग, मानवता के नाम पर जो आप, ये एक तरह से बहुत बड़ा धब्बा है, ये नहीं करना चाहिए, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। और मैं ये सिर्फ इतना ही दिखाता है कि नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव पर झुंझलाए हुए हैं, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ गए हैं, और उसी झुंझलाहट में अब उनको समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह के उद्गार उनके मुंह से निकल रहा है। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को आप सुने थे। बिहार में जनसुराज पदयात्रा पर प्रशांत किशोर है, और जैसे ही आज प्रशांत किशोर शिवहर जिले से सटे सीमा क्षेत्र में पहुंचे, सैकड़ों की संख्या में शिवहर जिले के लोगों ने प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर बिहार की नीतीश सरकार, खूब हमला बोला। फिलहाल अपने बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।